सो हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अखिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और देख सकते हो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कक्षा 12 के लिए, ठीक है, तो जो भूगोल का है आपका, भूगोल में द्वितीयक क्रियाएं का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ बहुविकल्पी प्रश्न से, तो और इसमें अगले वीडियो में आप लोगों को अतिलघुत्तरी प्रश्न भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसके और भी पहले के वीडियो अपलोड किए गए हैं तो जाके आप लोग चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग है। तो जो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं तो देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन एक कृषि भी आधारित विनिर्माण उद्योग है। तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल को हम दोबारा से भी निर्माण कर सकते हैं, विनिर्माण उद्योग है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हो। और उसके बाद प्रश्न नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग छोटे पैमाने पर आधारित है। तो जो जूता निर्माण उद्योग है वो छोटे पैमाने पर आधारित है, यानी कि छोटे पैमाने से शुरुआत कर सकते हैं। उसको प्रश्न नंबर तीन आप लोगों को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए बच्चे का माल उत्पादन, फिर बच्चे का करें कच्चे का माल उत्पादक करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो आधारभूत उद्योग, ठीक है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पर आधारित उद्योग है। तो उर्वरक उद्योग जो रसायन पर आधारित उद्योग है। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग पाँच को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। तो किस वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है, तो लाख उद्योग जो है उसे हम लोग वनों उद्योग क्या बोलते हैं, वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग छः नंबर को प्रश्न को। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय क्रिया यानी कि भूगोल में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, प्राथमिक क्रिया से और द्वितीय क्रिया तक भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया का लाइव स्ट्रीम कल किया गया है तो उसमें भी क्वेश्चन मैंने बताया अतिलघुत्तरी, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से, अब यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर छः पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद जो है राइट आंसर ये वाला, पूंजीवाद जो है आपका व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। प्रश्न नंबर सात को देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जोड़ा दिया गया है और कौन सा सही मेल खाता है, पहले दिया गया है स्वचालित वाहन उद्योग लांस एजिल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायवान निर्माण उद्योग फ्योलोरेंस, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो लौह इस्पात उद्योग है पिट्सबर्ग, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आठ को, सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार के आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। तो जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को हम लोग कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर नौ को देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं तो राइट, मतलब साइज मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तर दिया गया है चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तो ये जो आपका है कथन सत्य है, असत्य है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहीं पर देख सकते हो आप लोग, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, विनिर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है। तो विनिर्माण उद्योग में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें हम नीले कालर श्रमिक कहते हैं। ये प्राथमिक क्रिया में दिया गया है, नीले कालर श्रमिक कैसे कहते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर, जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 12 नंबर को प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है आपका कृषि आधारित उद्योग, यानी कि किसानों पर आधारित है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मैनचेस्टर, यहाँ पर मतलब पहले भी दिया गया है ऊपर मैनचेस्टर और यहाँ पर भी मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ पर चार उद्योग के नाम दिया गया, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो कागज उद्योग जो है वनों पर आधारित है, यानी कि वनों से कागज़ के, यानी कि एक पौधा होता है जिसके लकड़ी, जिसका वो बोलते हैं पेड़ों से हम लोग कागज़ बनाते हैं। चीन में इसका निर्माण हुआ था कागज़ का।
उसके बाद 15 नंबर को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न आया, 3 बार पूछ रखा है मैनचेस्टर। तो आप लोगों को ये प्रश्न है काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको भूलना नहीं है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो देख सकते हो तो आपका इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है 15 ही थे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे प्रश्न को, और काफ़ी अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं अगले वीडियो में आपका इसी का तिलकोत्तरी प्रश्न भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोगों की तैयारी अच्छे से बरकरार रहे।